करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं तभी शेयर कर पाऊंगा जब आप अलाउ करेंगे उधर से। नहीं, अलाउड है, लेकिन आप शेयर मत करें, मैं कर दूंगा यहाँ से। हाँ, ठीक है, ओके वो ओके, आप फिर बाकी सबको देख पाएंगे। ठीक है। एक सेकेंड, तो आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और ये परिचर्चा अपने टॉपिक में, अपने शीर्षक से और अपना जो कंटेंट है, इसका जो सार है, उस दृष्टि से ये बाकी विषयों से बहुत भिन्न है। और वस्तुतः ये एक तरह से अप्लाइड सोशल साइंसेज मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से संस्कृत इसमें क्या हेल्प कर सकती है, कैसे इसका समाधान कर सकती है, या उसका दृष्टिकोण क्या है, उन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए आज का ये विषय लिया गया है। अनेक विषयों में से ये आज का एक विषय है। जैसा कि आप ये विषय देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, व्हाट इट नीड्स टू लर्न फ्रॉम पंचतंत्र। लेकिन जैसे ही इस विषय को सुनते हैं तो हो सकता है आपको एक बड़ी एरोगेंस लगती हो संस्कृत की दृष्टि से कि भी संस्कृत वाले क्या सिखा सकते हैं, क्योंकि जितना इतिहास हम लोगों ने पढ़ा और पढ़ाया है पिछले 150 साल में, उसमें यही रहा है कि संस्कृत जो है वो एक बिल्कुल पिछड़ी हुई है, इरेलेवेंट भाषा है, और जो जो आप लोगों ने पढ़ा देखा समझा है, तो मुझे उसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं कहना। लेकिन क्या वस्तुतः ऐसी ही बात है या कुछ और भी तथ्य हमारे सामने आते हैं? तो जैसे जैसे हम इन विषयों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि जितनी मॉडर्निटी को जैसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे हम समझते हैं और जैसे उसके प्रति व्यवहार करते हैं, उस सब के लिए हमारे पास एक बुद्धिमत्ता से युक्त बहुत सारे ऐसे शास्त्र, बहुत सारी ऐसी परंपराएं उपलब्ध हैं। अब ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम इस सारे विषय के ऊपर या ऐसे अनेक विषयों के प्रति केवल जो हमें सिखाया गया है उसी दृष्टिकोण से व्यवहार करना अपेक्षित है, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करना अपेक्षित है, या हमें अपनी भाषा और अपनी शब्दावली में भी कभी कभी सोच लेना चाहिए। तो समय ज्यादा ना लेते हुए मैं सीधे सीधे विषय की कुछ एक बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और इस दृष्टि से साझा करना चाहता हूँ कि ये अभी एक तरह से पहला जो है फर्स्ट पार्ट है इस मैनेजमेंट स्टडीज का, और इसके आगे की जब हम विषय लेंगे, ओपन हाउस डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कंडक्ट करेंगे, तब आप लोगों के पास ये एक बैकग्राउंड में ये सारे लेक्चर्स होने चाहिए, ये सारी सूचनाएं होनी चाहिए, ये सारा दृष्टिकोण होना चाहिए। तो चलिए सीधे सीधे विषय की ओर आते हैं कि पंचतंत्र से हम क्या सीखना अपेक्षित है जब कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, द्वंद्व प्रबंधन हमने करना हो। लेकिन उससे पहले वो जो बात कहता है पंचतंत्र में, वो एक बड़ी मूलभूत बात कहता है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, कभी कभी संस्कृत सुन लेनी चाहिए, शास्त्रम तस्य करोति किम्, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। यानी कि जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी इंटेलिजेंस नहीं है, अपनी इंसाइट्स नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर लेगा? शास्त्र भी उसका कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि आंखों से हीन जो व्यक्ति है उसके लिए दर्पण क्या करेगा, ये एक पहली बात हमें ध्यान रखनी होगी। और दूसरी बात हमें नीचे, बिल्कुल आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान रखिए कि अपि शास्त्रेषु कुशला, आप बहुत एक्सपर्ट हो शास्त्र ज्ञान में, लेकिन लोकाचार वर्जिता, लेकिन अगर आपको पब्लिक सेंस नहीं है, बिहेवियरल सेंस नहीं है, तो सर्वे ते हास्यम तो यान्ति, तो फिर वो आप हंसी का पात्र हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करें और आपको लोक व्यवहार का भी पता हो। तो यानी कि ये जो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देख रहे हैं कि एक और जो है आपके पास इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस, पांडित्य का मतलब ब्राह्मण नहीं होता, पांडित्य पंडा का मतलब होता है, पंडा इति नाम बुद्धि, बुद्धि को पंडा कहते हैं और उसको जो रखने वाला है वो पंडित कहलाता है। तो इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट जिसके पास है, ऐसा पांडित्य भी आपको चाहिए, साथ ही साथ आपको कॉमन सेंस, व्यवहार ज्ञान या लोकाचार जिसे आप कहते हैं, वो होना चाहिए। ये शास्त्र के दो पंख हैं। तो पंचतंत्र आपको ये दो चीजें एक साथ
सिखाने की कोशिश करता है। इसलिए विष्णु शर्मा क्या कहते हैं शुरू में, वो कहते हैं, ए मैन हु स्टडीड दिस नीति शास्त्र और लिसन टू इट्स परसेप्ट्स विल नेवर बी डिफीटेड नॉर इवन बाय इंद्र द लॉर्ड ऑफ हेवन। अब ये जब बात इतने गर्व से और इतने सुलझे हुए मन से वो कह रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या ये जो पंचतंत्र आदि ग्रंथ हैं, वो एक तरह से एग्रीरियन रिस्पॉन्स टू कॉरपोरेट इंडस्ट्रियल इश्यूज ऑफ मैनेजमेंट, उनके लिए क्या ये जो है समाधान उपलब्ध कराता है। और दूसरी ये बात हमें जो सुझाता है वो है फ्रॉम स्मार्ट मैनेजर्स टू सेंसिबल मैनेजर्स, कि कैसे हम इस दिशा में चल सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप देखें ये ऑब्जर्वेशन जो हमें देखने को मिलती है थ्रू इट्स सिम्बॉलिक स्टोरीज, क्योंकि सारी कहानियां सिंबलिज्म में हैं, पशु पक्षियों की हैं, विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स द पंचतंत्र टीचेस अस अ लॉट अबाउट हाउ पीपल बिहेव, हाउ रिलेशनशिप वर्क एंड हाउ टू बी मॉरल। एट द हार्ट ऑफ पंचतंत्र इज द आइडिया ऑफ नीति, ध्यान रखिएगा, विच हेल्प्स द कैरेक्टर्स फिगर आउट हाउ टू लिव देयर कॉम्प्लिकेटेड लाइफ्स। यानी कि वो एक्नॉलेज कर रहा है कि जब भी जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट है, कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें कैसे उसने व्यवहार करना। ये एक दो स्लाइड्स में दिखाना चाहता हूँ कि पंचतंत्र का प्रभाव, क्योंकि 300 ईयर्स जो है ये कॉमन एरा से पहले की है, बिफोर कॉमन एरा, 3rd BCE। तो उसका प्रभाव हमें जो बाद में देखने को मिलता है अन्य अन्य सभ्यताओं को, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए और उसको समझने की भी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी कथाओं का इतनी दूर दूर तक कैसे प्रभाव हुआ। ये जो आप नालंदा टेम्पल जो है उस 7th सेंचुरी का, उसमें आप मंदिर पे ये देख सकते हैं किस तरह से स्कल्पचर की मूर्तियां जो हैं उकेरी गई हैं। फिर केवल वही नहीं है, आपको अरेबिक कंट्रीज में जो है आपको ये आप देख सकते हैं, आपको जो है दमनक और दिमना इन नाम से जो है कहानियां देखने को मिलती हैं, जहाँ पे शेर और ये जो जयकाल गीदड़ है इसकी कहानी, ये कौओं की कहानी आपको देखने को मिलती है अरेबिक वर्शन में, जो कि 1210 कॉमन एरा की हैं। उसके बाद आपको 1354 ईस्वी में आपको सीरिया के जो है वो वहां पर आपको देखने को मिलती है, उनके साहित्य में देखने को मिलती है। उसके अतिरिक्त आपको और बहुत सारे जो है, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, ये इस तरह की कहानियां आपको सब जगह देखने को मिलती है। और पर्टिकुलरली ये आपको मैं एक जो ये जो जावा, सेंट्रल जावा इंडोनेशिया में आपको मंदिरों के जो चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, रुडयार्ड किपलिंग जो है वो अपनी कहानियों में भी इसका यूज करते हैं, रिकी टिकी टवी। तो इस तरह से ये बहुत सारा इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जिसे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जो आज का विषय है उसके बारे में मैं अगले 2-4 मिनट और आपके साथ लेना चाहता हूँ, और उसके बाद आज के मुख्य वक्ता को आपसे परिचित कराऊंगा। जो आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करना चाहते हैं, कहानियां हमने बार बार सुनी, लेकिन उनका उनको यूज कैसे करना है, उनके अर्थ क्या होते हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लें और समझ लें। जैसे कि ब्राह्मण्स ड्रीम, दिवास्वापी जो ब्राह्मण है उसकी कहानी है, लेकिन वो हमें जो बताती है, जो मैनेजर्स को बताती है या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बताती है, टू सेट द रियलिस्टिक गोल्स एंड सर्च अहेड। इसी तरह जो नील वर्णा श्रीगाला है, ब्लू जैकॉल स्टोरी अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है, नील वर्णा श्रीगाला कहानी का नाम है, तो उसका जो तात्पर्य है कि एक कोई भी मैनेजर जो है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बी योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ। मैं सारे नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं समय नहीं लेना चाहता, लेकिन आप ब्राह्मण एंड द क्रुक्स, जहाँ पे ब्राह्मण ठगों के द्वारा ठगा जाता है, जयकाल एंड द ड्रम, मंकी एंड द वेज, कीलोत पाटे बानर कहानी का नाम है, और ये तो कहानी आप लोगों ने अक्सर सुनी है, कनिंग हेयर एंड द विटलेस लॉयन, कि जिस तरह से खरगोश ने सिंह को मारा है, वो सारी बातें हैं। और उनके ये निष्कर्ष निकलते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसकी जो है पीपीटी आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। तो समय बचाने के लिए मैं सारी चीजें नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं और किस दिशा में
आगे बढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को दिशा देने के लिए और विचार का विस्तार करने के लिए आज हमने जिस रिसोर्स पर्सन को सादर आमंत्रित किया है वो है मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी जी, फॉर्मर एडिशनल डीजी आर्मी पोस्टल सर्विसेज, प्रेजेंट एंड प्रेजेंटली चेयरमैन GGDST कॉलेज खेरी घुरना राजपुरा। और जनरल साहब के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि वो इंडियन पोस्टल सर्विस में ऑफिसर रहे 1982 बैच के, और आर्मी इंडियन आर्मी में वो डेपुटेशन पे 21 साल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। जब कभी भी मैंने उनसे बातचीत की है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे चेंजेस वो आर्मी पोस्टल सर्विसेज में लेकर आए, और उसके बाद वो रिटायर हुए हैं मेंबर ऑफ पोस्टल बोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वहां से 2016 में। इसके अतिरिक्त उन्होंने 4 पुस्तकें अभी तक उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कि रामायण पे, रामायण के गुड गवर्नेंस पे और अन्य विषयों पर जो है, गूगल बाबा अकल बड़ी या गूगल बाबा, इस तरह की उनकी 4 पुस्तकें उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ उन्होंने उनके आर्टिकल्स जो हैं लगभग इस वक्त तो 100 से अधिक जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। और उनकी जो रुचियां हैं वो है बिहेवियरल साइंस और गुड गवर्नेंस में उनका विशेष जो है वो ध्यान है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो वर्कशॉप्स कई कंडक्ट की हैं मैनेजमेंट स्किल बेस्ड ऑन रामायण एंड पंचतंत्र स्टोरीज, इस पे काम उन्होंने किया है। और जो आज का विषय है वो उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का हिस्सा है कि गुड गवर्नेंस, टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ETC। तो हम जनरल साहब का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं हम सभी प्रतिभागियों की ओर से। तो 2-3 बातें कह करके मैं उनके स्क्रीन शेयर करूंगा कि थोड़ा सा एक आइडिया क्लियर हो जाए और वो हमें करेक्ट कर सकें कि इस सारे विषय को कैसे देखना और समझना चाहिए, क्योंकि उनका एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो बड़ा लंबा अनुभव रहा है, और हम लोग जो है वो टीचिंग में रह करके एक एकेडमिक दृष्टि से इन सारी चीज़ों को देखते हैं, एकेडमिक पर्सपेक्टिव से। तो उसमें और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस में हम कैसे तालमेल बिठाएं, इस बात के लिए मैं ये बातें आपके साथ 2 स्लाइड्स में और साझा करना चाहता हूँ कि पंचतंत्र जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है, जिसे कथा मुख कहते हैं, वो स्वराज्य से शुरू होती है कि एक सुंदर राज्य है, क्योंकि उसके जो बिगनिंग की लाइनें अगर आप पढ़ें तो स्वराज्य है। और उसके लिए क्या है, स्वराज्य के लिए सुशासन की जरूरत है। सुशासन के लिए आपको सुयोग्य राजा अमर शक्ति जिसका नाम है उसकी आवश्यकता है, लेकिन उस स्वराज्य में बाधक शक्तियां हैं, उसके 3 पुत्र, उसके अपने ही पुत्र, एक का नाम बहु शक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। और इन शक्तियों से ना आप समझ सकते हैं कि इनका क्या पर्पस है, कि हर वक्त डिस्ट्रॉय करने वाली, डिस्टर्ब करने वाली, एक उथल पुथल मचाए रखने वाली। तो जो अमर शक्ति नाम का राजा है वो अपने 3 बेटों को एक इस तरह से संस्कारित करना चाहता है कि वो समाज के लिए जो है योग्य बन सकें, और वो राज्य के लिए जो है वो योग्य, उनमें योग्यता बने। इस 3 शक्तियों को, इन 3 पुत्र जिसे आप वो कह रहा है, वो पंडित विष्णु शर्मा नाम का जो एक, मतलब मैं इसको व्यक्ति नहीं समझता, ये एक प्रिंसिपल है जिसके माध्यम से वो इन 3 शक्तियों को संस्कारित करना चाहता है। वो कैसे करता है, सबसे पहले उनको सेंसिटाइज करता है, जब वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर 3 महीने में जो है इन बच्चों को जो है वो योग्य बना दूंगा, तो उनको सेंसिटाइज करता है, फिर उनका कहानियों के माध्यम से संस्कार करता है, और फिर उन्हें ऑथराइज करता है। अधिकार का मतलब जो है वो राइट नहीं होता, अधिकार का मतलब है ऑथराइजेशन, कि उन्हें वो इस योग्य बनाता है कि वो जो ये 3 पुत्र हैं या 3 शक्तियां हैं वो राज्य के योग्य हो जाए, राजकार्य करने के योग्य बने। अब इसके बाद जो पंचतंत्र में आप देखते हैं, वो तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था, एक्सपेंशन प्लस सिस्टम, एक्सपेंडिंग सिस्टम अगर आप इसको कह लें तो ज्यादा बेहतर है तंत्र शब्द का अर्थ। और उसमें ये 5 तंत्र हैं, आप लोग परिचित हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकियम, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारकम, ये है, इनकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ये कुछ बातें हैं जो कि आप सभी जानते हैं, ये आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है जनरली इन सब चीज़ों में किस तरह से हमें दिखाई देता है, कॉरपोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्री में
कंट्रीज में या पॉलिटिकल पार्टीज में जहां जहां भी है, मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन ये चीजें सारी उपलब्ध हैं। लेकिन उन सब के लिए हमें जो पंचतंत्र से लेसन सीखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम सेकंड पार्ट में करेंगे कि पावर ऑफ टीम वर्क क्या होती है, ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी, एडेप्टिव लीडरशिप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, इंसेंटिव, ईटीसी। लेकिन ये सारे पक्ष जो है वो हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। और लास्ट बात जो है, उसके बाद मैं उनको कहूंगा कि वो अपनी बात हमारे साथ साझा करें, कि इसको क्योंकि हमने अप्लाइड रखना है, कोशिश हमारी अप्लाइड के प्रयोजन है हमारा, तो इसलिए हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश क्या है कि हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को समझें। जैसे कि आप यहाँ पे ये लिस्ट देख रहे हैं लगभग 8-9 की, कि लिमिटेड इनोवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, इनएबिलिटी टू फायर फाइट, ईटीसी। सारे नहीं पढ़ रहा, आप स्क्रीन पे पढ़ लीजिए साथ साथ। और उसका पंचतंत्र में उपाय क्या है, वो सबसे पहली जो हमें कहानी एक देखने को मिलती है इस तरह के लिए, उपायन सर्वम शक्यम, कि उपाय से सब कुछ संभव हो जाता है, और उसके लिए कई कथाएं हमें उपलब्ध होती हैं। इसी तरह से जहां इनएबिलिटी टू फायर फाइट इन ऑर्गेनाइजेशन ये समस्या होती है, वहां पे कहानियां हमें मिलती हैं सर्वेंट सपोर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जैसे कि हमें टाटा कंपनी के एम्प्लॉयज का व्यवहार देखने को मिला जब 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ। और इसी तरह से ये जो उपायन सर्वम शक्यम की बात है, उसमें अगर आप देखें तो पंचतंत्र की कहानी के अनुसार हमें देखने को मिलता है कि इनोवेटिव स्ट्रेटजीज ऑफ ओला कैब्स, और इसी तरह से ये जोमैटो और जो सारी बातें हैं, टाटा, रतन टाटा का ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट एज ए पावरफुल टीम लीडर, क्योंकि जहां पे इनइफेक्टिव टीम्स होती हैं वहां पे ग्रेट लीडर्स की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम समय समय पे लेते रहेंगे। ये मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड दी है ताकि पंचतंत्र की केवल वो एक प्राचीन कहानी है, प्राचीन ग्रंथ है, इसलिए नहीं वो महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो एक अप्लाइड यूटिलिटेरियन ज्ञान वाला ग्रंथ है। तो इन सब बातों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी को, कि वो हमारे साथ आज की चर्चा को आरंभ करें और हमें दिशा निर्देश दें कि इस सारे विषय को हम कैसे देखें, स्टेप बाय स्टेप कैसे देखें, ताकि निकट भविष्य में जब हम इसका पार्ट टू करें तो उसके जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं उनको हम कैसे व्यवहार में लेकर के आए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में आपने बताया, और एक्चुअली जितना डीप एनालिसिस आपने अपनी स्लाइड्स में पंचतंत्र के बारे में और उसके मल्टी डायमेंशन इश्यूज के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में बताया, उतनी नॉलेज मेरी नहीं है। मैंने मैंने जो थोड़ा बहुत जो पढ़ा है और जो मुझे समझ में आया है या मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं उसी के बेसिस पर कुछ काम किया है पंचतंत्रा पर, एंड आई एम ट्राइंग टू डेवलप कपल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, जिसमें मैं अभी तक दो स्ट्रेटजीज या दो टेक्निक को डेवलप किया है। एक तो है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और दूसरा है एथिकल वेल्थ। एथिकल वेल्थ की इंपॉर्टेंस कोरोना के टाइम में कुछ ज़्यादा थी, खैर वो आएगी, वो भी लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि वेल्थ के मायने क्या होते हैं, लेकिन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर थोड़ा मैंने डिटेल में काम किया है। स्पेशली यू सी दैट द नंबर ऑफ स्टोरीज आर काफ़ी, उनका ज़्यादा नंबर है, और हर पांचों चैप्टर हैं, तो पांचों चैप्टर में जो अलग अलग कहानियां हैं, कहानियां अल्टीमेटली आपको एक पर्टिकुलर निष्कर्ष की तरफ ही ले जा रही हैं। तो मैंने कोशिश की है उन सबको समेट कर आपके सामने एक समरी के तौर पर बनाने के लिए और उसको एक पीपीटी में आपके सामने पेश करने के लिए। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर आने से पहले, जैसा कि आशु जी ने बताया है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जैसे पुराने जमाने में एक पक्षी होता था राजहंस, राजहंस की क्वालिटी ये होती थी कि उसके सामने अगर दूध और पानी को मिक्स करके रख दिया जाए तो उसमें से दूध पी लेता था और पानी छोड़ जाता था। प्रॉब्लम यह है कि हमने सिर्फ कहानियां पढ़ी ही हैं, हमने कहानियां सुनी ही हैं, और कहानियों के नीचे जो एक या दो लाइन का मोरल आता था उसको हम पढ़कर या सुनकर हाँ में हाँ मिलाकर परे चले जाते हैं।
हमने राजहंस की तरह उसमें से दूध को निकाल कर अपने अंदर नहीं समेटते, हम बस देख लेते हैं और छोड़ जाते हैं और आगे चल पड़ते हैं। तो पंचतंत्र को मैं इस हिसाब से देखता हूं कि इसकी कहानियों के जो कंक्लूजन्स हैं या उसमें जो भी बात आ रही है, इफ यू स्टडी इट आई फील दैट इट इज इट टीचेस अस हाउ टू लिव एन इंटेलिजेंट लाइफ, एक इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग के बारे में हमें बताता है। और मैनेजमेंट स्किल्स की जितनी भी डायमेंशंस हैं आपके सामने, आशु जी ने अपनी स्लाइड में बहुत सारी डायमेंशंस मेंशन की हैं, उन सबको उनका सबका समावेश है पंचतंत्र। अब विष्णु शर्मा के पास वो जब राजा अपने बच्चों को लेकर आता है तो राजा कहता है कि भाई ये तो कहानी के हिसाब से अगर आप देखें, आप उसको सिंबॉलिक की बजाय कहानी को भी अगर जानने की कोशिश करें, सो ही सेज दैट ये सारा दिन खेलते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं, मैं बूढ़ा हो जा रहा हूं, अब ये शासन प्रबंधन कौन संभालेगा, इनको तो कुछ आता जाता नहीं है, कुछ इनको कीजिए, कुछ इनको सिखाइए। नो, विष्णु शर्मा उनको ये बोलते हैं कि एट दिस एज एट द स्टेज आई कैन नॉट टीच देम फिजिक्स ज्योमेट्री मैथमेटिक्स पोएट्री दिस थिंग दैट थिंग एटसेट्रा बिकॉज इट रिक्वायर्स गुड नंबर ऑफ इयर्स, बट इफ यू लीव देम विद मी फॉर 6 months आई विल टीच देम हाउ टू लिव लाइफ इन एन इंटेलिजेंट मैनर, मैं इनको जिंदगी जीने का सलीका सिखा दूंगा। और यहीं पर मेरे को अफसोस भी होता है कि ये सैकड़ों हजारों सालों से ये पंचतंत्र हमारे पास है जो कहता है कि मैं आपको जिंदगी जीने का सलीका सिखाता हूं, हजारों सालों से हम अभी तक जिंदगी जीने का सलीका ही नहीं सीख पाए, हम कहां खो गए, हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन ठीक है, होता है ऐसे दुनिया में, और हमारी कोशिश भी यही है कि हम अपने जितने भी हमारे एंशियंट लिटरेचर है, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें जो छुपी हुई विजडम है, उस विजडम को मॉडर्न में रेलेवेंट बनाकर आपके सामने पेश करें। सो इसीलिए ये मैं ये कोशिश करता रहता हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, अब जब हम कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, बेसिकली मैं आज आपको एक कहानी ही सुनाने जा रहा हूं। हो सकता है गुप्ता जी कहानी सुनते सुनते आप लेटे हुए हैं, आपको नींद आ जाए, कोई बात नहीं, चाय का कप मंगवा लीजिएगा, कहानी सुनकर बहुत मजा आएगा आपको। उस कहानी से ही हम कुछ सीखेंगे, उस कहानी से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू मैनेज कंफ्लिक्ट। और जहां तक उसमें जो मैंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं या समरी बनाई है, फ्रेंकली स्पीकिंग देयर इज नथिंग न्यू, आई हैव नॉट डन एनी न्यू रिसर्च। वो जो छुपा हुआ है उसी को मैं एक सिंपल वे से आपके सामने पेश कर रहा हूं। और ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें से किसी बात को जानते नहीं है, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल, वेरी एक्सपीरियंस्ड, एंड गुड नंबर ऑफ पीपल हैव लिव्ड देयर लाइफ आल्सो, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन यही होता है, इंसान को पता तो होता है लेकिन उसको पता होने का महसूस बार बार करवाते रहना बहुत जरूरी होता है। पता तो है हमें कि सच बोलना है, लेकिन उसको बार बार बताना कि भैया सच बोलना है, ये बहुत जरूरी होता है। हमें पता है कि ईमानदारी से जिंदगी जीना है, लेकिन उसको बार बार रिमाइंड करवाना बहुत जरूरी होता है। सो एफर्ट इज लाइक दिस ओनली। तो कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। आई विल टेक अबाउट 40-45 मिनट्स, शायद उससे 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए। तो हुआ क्या कि उल्लुओं और कौओं में होगी लड़ाई हो गई। अब उस लड़ाई में क्या हुआ कि कौओं का बहुत नुकसान होना शुरू कर हो गया, बिकॉज स्ट्रांग भी थे वो उल्लू, और सबसे बड़ी बात है कि दे कैन सी इन द नाइट आल्सो। तो जब कौओं को शाम को रात को थक जाते थे, नींद आती थी, उल्लू आकर उनके ऊपर अटैक करते थे और बहुत डैमेज हो जाते थे। सो टू पार्टीज आर देयर, देयर इज ए कंफ्लिक्ट। जब भी मैं आगे भी मैं स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा, यू जस्ट कीप इनटू योर माइंड इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉरपोरेट सेक्टर, पॉलिटिकल पार्टीज। अब उल्लू और कौओं की बजाय अपने दिमाग में आप उन सारी चीजों को रखिएगा कि दो पार्टियां हैं, आइदर दे आर द पॉलिटिकल पार्टीज और दे आर द कंट्रीज और दे आर द कॉरपोरेट हाउसेज और दे आर द इंडिविजुअल्स, व्हाटएवर मे बी, उनमें हो गई है लड़ाई। अब यहां पर आपने देखा होगा कि मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, रीजन बीइंग कंफ्लिक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड,
कंफ्लिक्ट तो इंसान की लाइफ में, देश की लाइफ में, पार्टी की लाइफ में, बिजनेस हाउस की लाइफ में होगा ही होगा। पांचों उंगलियां बराबर ही नहीं है, इंटरेस्ट का क्लैश तो आपस में होगा ही होगा। अब सवाल यह है उसको मैनेज कैसे करना, उसके साथ रहना कैसे है, उसके साथ रहना कैसे है, दैट इज द मेन थिंग। सो इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया है, हाउ टू मैनेज कंफ्लिक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट। तो उसमें क्या हुआ, जो कौओं का राजा था उसने एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाई कि भाई क्या करें, इलेक्शन में हमें 270 सीटें तो नहीं मिली हैं, सीटें रह गई हैं 240, अब क्या किया जाए। तो ऐसा करते हैं, कन्फ्लिक्ट हो गया, पहले हम आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी जब बनाने से पहले जब उसने मीटिंग बुलाई, सो उसमें उन्होंने अपने होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर टाइप, तो गुड नंबर ऑफ सीजंड इंटेलिजेंट एंड एक्सपीरियंस्ड क्रोज जो थे 5-6 के करीब, उनको बुलाया एंड ही आस्क्ड देम कि बताइए अब हम क्या करें, आपकी क्या सलाह है, इस कंफ्लिक्ट को कैसे मैनेज करें। तो पहला जो एक मंत्री था उसने कहा, देखिए महाराज, दुश्मन बहुत स्ट्रांग है, दुश्मन कनिंग भी है, दुश्मन के पास एक एक्स्ट्रा पावर है रात को सोए पर अटैक करने के लिए, हम है कमजोर, सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट वी शुड हैव ट्रीटी, वी शुड हैव ट्रीटी विद द एनिमी। नाउ यू थिंक अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो आल्सो, दुश्मन इज कनिंग, दुश्मन कैन चेंज द ट्रैक एट एनी टाइम, बट द सिचुएशन इज दैट आई नीड द सपोर्ट एंड द हेल्प, आई कैन नॉट फाइट विद द दुश्मन, सो लेट्स हैव ट्रीटी विद द एनिमी। व्हेन ही गेव दिस सजेशन, किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, ही सेज के बात तो आपने कह दी, बट किसका कोई, इज देयर एनी लॉजिक और द रीजनिंग बिहाइंड दिस प्रपोजल आल्सो, व्हाई आई शुड हैव ट्रीटी। तो वो बोलते हैं, एक सेकंड, वो इंटरनेट वाले इंटरनेट ठीक करना है, मैं जरा लैपटॉप को उठाकर दूसरे रूम में ले जाता हूं क्योंकि मैंने हॉटस्पॉट से लिंक कर रखा है। एक सेकंड। जी जी, हाँ हाँ, कोई नहीं। जस्ट 10 seconds। जी जी प्लीज। रात को वो बारिश बारिश आई थी ना, लगता कुछ तारे कट गए। जी जी। चलिए अभी क्लियर है। जी ठीक है। तो उन्हें कहा कि यू जस्ट टेल मी व्हाई शुड हैव ए ट्रीटी। तो मिनिस्टर क्या बोलते हैं, अब आप इसको जो मैंने रेड में है उनको ध्यान से देखिएगा, दैट वन शुड नॉट मेक वॉर विद ए पावरफुल एनिमी, ऐसा एनिमी जो बहुत पावरफुल है, हु इज स्ट्रॉन्ग देन वन सेल्फ एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम I should gather the strength, तभी मैं दुश्मन के साथ मुकाबला करूं, अभी मेरे को पावरफुल और जो मेरे से स्ट्रॉन्ग है उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। ओके, बात थोड़ी बहुत जची उनको, तो उन्होंने पूछा भाई और भी कोई रीजन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आ नहीं रही। आगे आगे आगे। तो वो बोलता है देखिए, वन शुड फॉस्टर पीस विद द पावरफुल एनिमी हु इज रिच वाइज एंड गुड। अब ध्यान से देखिए कैसे, दुश्मन है तगड़ा है मेरे से ज्यादा है, और प्रॉब्लम ये है कि वो अकलमंद भी है, बेवकूफ नहीं है, वो अकलमंद भी है, इसका मतलब इसके अलावा वो रिसोर्सफुल भी है और उसमें कुछ क्वालिटीज भी हैं। अगर ऐसे दुश्मन के साथ हम पंगा लेंगे, he very easily he will destroy us because he is a seasoned conqueror। उसाला यही काम करता रहता है, लड़ता है, झगड़ता रहता है, उसके घर में भी कोई डिस्कॉर्ड नहीं है। See, the same thing happens in the villages also। गांव में क्या बोलते हैं, यार उनके साथ क्यों पंगा लेना, वो रसूखदार हैं, वो अमीर हैं, उनकी पहुंच बहुत है, वो और वो बदमाश है, इनके साथ बनाकर रखो। ये गांव में ऐसे होता है,
शहरों में ऐसा कम होता है क्योंकि सोसाइटीज में रहते हैं ना को जान ना को पहचान ना को लेना ना को देना, बट स्पेशली इन द विलेजेस इट यूज्ड टू हैपन एंड इवन टुडे आल्सो इट हैपन्स दैट पीपल से दैट दोस हु आर द वेरी रिच एंड द पावरफुल एंड द वाइज एंड द क्रुक एंड द स्ट्रांग उनके साथ बनाकर रखो। ये वही बात है जिसको हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि ऐसे लोगों के साथ पंगा नहीं लेना, झगड़ा नहीं करना, बनाकर रखना। राजा को उसकी बात थोड़ी बहुत जची, इतना बात में दम तो है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मिनिस्टर कहता है एक और बात सुनिए कि इट इज आल्सो एडवाइजेबल टू हैव पीस विद द विकेड पर्संस। वो ठीक है, वो अकलमंद है, रसूखदार है, लेकिन वो अगर कोई गुंडा और बदमाश है उसके साथ तो समझौता ही करना है, पंगा नहीं लेना है, बिकॉज हम शरीफ लोग हैं। एंड दिस आल्सो हैपेंस कि यार जो है दूर दूर से उनको दुआ सलाम करो और जी क्या हाल चाल है और ठीक है जी क्योंकि ये बदमाश है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू मेक वंस लाइफ सेफ एंड सिक्योर। अगर आप अपनी ही लाइफ को सेफ एंड सिक्योर नहीं कर पाए तो ऐसे कंफ्लिक्ट का क्या फायदा। इसलिए मेरी प्रपोजल ये है, द फर्स्ट स्ट्रेटजी विच आई एम प्रपोजिंग एट द मोमेंट इज दैट वी शुड हैव ए ट्रीटी और द पीस विद देम। नेक्स्ट प्लीज। एंड वन शुड मेक पीस इवन विद द इक्वल्स। अब देखिए तीन कैटेगरी कर दी उन्होंने, दुश्मन हु इज रिसोर्सफुल, रिच, वाइस। ओके, दुश्मन हु इज क्रुक्ड एंड द विकेट, गुंडा एंड द बदमाश, दुश्मन हु इज इक्वल आल्सो। तीन तरह के दुश्मन हो गए, बिकॉज इफ यू फाइट अगेंस्ट द इक्वल्स देयर इज नो श्योरिटी दैट यू विल विन आल्सो, सो व्हाई वी शुड डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। We should not do any such type of things. We should not have any conflict with them and we should have peace. Next, please. There may be a doubt while fighting with the equals. It's better that other methods are tried first. Fight should be only under extraordinary circumstances. एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के अब कोई चारा नहीं है, अब तो इज्जत का सवाल हो गया, इसने तो जो है हमारी बहू बेटियों पर हाथ डाल दिया है, इसने ये कर दिया, अब तो जो है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आए, अवर फर्स्ट एम इज टू सेव अवर लाइफ, अवर लिबर्टी, अवर रिसोर्सेज। हेंस दीज थ्री टाइप ऑफ क्रूक्ड पीपल और द दुश्मन और द एनिमीज, वी शुड हैव द पीस। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, अब देखिए पंचतंत्र से मैंने जो है ये कई चीजें ऐसी निकाली हैं जो जो जिंदगी का सार है। ये कंफ्लिक्ट नहीं करना वो तो बात ठीक बोल रहा है, वो क्या बोलता है, लैंड, फ्रेंड्स एंड गोल्ड हैव बीन वन ओनली व्हेन देयर इज नो बैटल। आपके पास आपकी समृद्धि तभी होगी, आपकी दोस्त भी आपके ज्यादा आपके साथ रही तभी रहेंगे, और आप अपनी धन दौलत में इजाफा भी तभी कर पाओगे अगर शांति है। इफ यू आर कीप ऑन फाइटिंग योर रिसोर्सेज विल गो वेस्ट, देयर विल बी ट्रिमेंडस लॉस टू यू, टू योर प्रॉपर्टी एज वेल एज टू योर मेंटल पीस। हेंस वी शुड ट्राई टू अवॉइड द कंफ्लिक्ट। सो पहली स्ट्रेटजी जो अभी हर एक कहानी की जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें तकरीबन 5-5, 6-6 के करीब स्लाइड्स हैं, तो पहली स्ट्रेटजी क्या उभर कर सामने आ रही है कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट वी शुड, अवर फर्स्ट स्टेप शुड बी टू हैव पीस। और क्या बोल रहे हैं, इट इज बेटर टू श्रिंक लाइक ए टर्टल इन द शेल, कि कछुए की तरह अपने उसके नीचे घुस जाओ, जो आपके पास चोट पड़ेगी कुछ नुकसान नहीं होगा, समय आने पर काले सांप की तरह फन उठाकर उसको डसेंगे। अब कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये उस जमाने में उन्होंने इतनी गहरी बातें लिखी हुई हैं जिनको हम कहते हैं कि इनको आता जाता नहीं था, हम तो बड़े पढ़े लिखे 100 साल में हुए हैं क्या। अरे नहीं, हम 100-150 साल में सिर्फ सिलेबस को जानने वाले लायक हुए, हमें अकलमंदी वाली बातें हैं वो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं जिनको हमने दरकिनार करके रखा हुआ है। सो ही सेज समय आएगा तब हम लड़ेंगे, अभी समय नहीं है। और इसकी मैंने समरी बनाई है, स्ट्रेटजी इज टू बी व्यूड फ्रॉम द एंगल ऑफ ए कंट्री, बिग कंपनी और ए कॉर्पोरेट हाउस इन कंपटीशन। एक छोटा कंट्री है, नेपाल है, भूटान है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, कैन दे फाइट अगेंस्ट चाइना, कैन दे फाइट अगेंस्ट इंडिया,
वो उनकी स्ट्रेटजी ही रहती है कि दोनों के साथ, क्योंकि चाइना उनके हिसाब से क्रुक्ट है, इंडिया क्रुक्ट नहीं है बट रिसोर्सफुल है। नेपाल को जब भी जरूरत पड़ती है मदद की, इंडिया कम्स टू देयर रेस्क्यू, और भूटान का थोड़ा अपना इशू रहता है तो उसको रिसोर्सेस के लिए उनकी तरफ देखना पड़ता है पुल बनाने के लिए या उसके के लिए। दैट कैन बी द रीजन ऑफ द इंटरनेशनल कंफ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना आल्सो, बट एज फार एज दीज कंट्रीज आर कंसर्न, उनको प्रॉब्लम भी है उनसे, चाइना से, लेकिन उसके साथ वो संधि वाला ही एटीट्यूड अडॉप्ट करके सकते हैं। एंड ओपोनेंट बीइंग रिच एंड रिसोर्सफुल कैन अफोर्ड टू ड्रैग ऑन द कंफ्लिक्ट। उसका क्या, चाइना तो कहेगा 50 साल लड़ते रहो, रिसोर्सेस किसके खत्म होंगे, वो तो नेपाल और भूटान के होंगे। इंडिया और पाकिस्तान में कंफ्लिक्ट हो जाए ठीक है, अल्टीमेटली इकोनॉमिकली प्रॉब्लम इंडिया को इतनी नहीं होगी जितनी कि पाकिस्तान को होगी। पाकिस्तान कैन नॉट टॉलरेट फॉर मोर देन 3 to 5 days, बट इंडिया का two to three months also. तो ये है, मैंने समरी बनाई कि हमें पहला हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए टू हैव द पीस। अब राजा को बात तो उसकी जच गई, लेकिन जब उसने दूसरे मिनिस्टर की तरफ को इशारा किया कि आपका क्या कहना है, दूसरा मिनिस्टर कहता है कि मैं इस पागल की बकवास 10 मिनट से सुने जा रहा हूं जो कहता है संधि कर लो, संधि कर लो, संधि कर लो, संधि नहीं, हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, और जो अभी जो कंफ्लिक्ट है इसका मैग्नीट्यूड वी शुड इंक्रीज। राजा बोलता है यार ये बोल रहा है संधि करने चाहिए, एंड ही वाज कन्विंस्ड आल्सो दैट देयर शुड बी ए ट्रीटी, ये बिल्कुल उलट बात बोल रहा है कि वॉर होनी चाहिए। सो ही सेज कि आपकी बात में कुछ दम है, आप कह सकते हो कि क्यों वॉर होनी चाहिए। तो वो उससे जब पूछता है तो वो क्या बोलता है देखिएगा जरा, One should never compromise with the foe that is unprincipled and false. बोले ये तो झूठा है, ये तो मकार है, इसके साथ आज आप संधि करोगे कल को आपको धोखा दे जाएगा, वो मुकर जाएगा, because no agreement binds him. वो बड़ी जल्दी अपनी विकेटनेस दिखाएगा, because his purpose is not to help us. His purpose is to take care of his own self-interest only. So with such type of enemy or the party, we should never have any agreement. We should have war only. Okay? राजा को बात में दम लगा, उसने कहा कि ये बात तो आपकी ठीक है, डू यू हैव एनी अदर आर्गुमेंट आल्सो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। वो बोला कि द फो दैट इज फिट टू बी टैकल्ड बाई वे ऑफ वॉर, इफ वी टॉक अबाउट पीस विद हिम विल मेक हिम एंग्री ओनली। वो तो सिर चढ़ जाएगा, वो सोचेगा कि ये तो मेरे कदमों में आ गया है, वो इसके अलावा वो हमारे ऊपर अपना ही जो है स्ट्रांग होल्ड रखने की कोशिश करेगा, तो ऐसे दुश्मन के साथ जो हमें मालूम है कि वो विकेट है, कनिंग है, वी शुड नॉट हैव एनी ट्रीटी, वी शुड हैव वॉर ओनली, नेक्स्ट प्लीज। Foes indestructible by might are slain through deceptive gesture, as Bhim killed Kichka by approaching him in women's vesture. ये क्या प्रोज है जिसने भी ट्रांसलेट किया, क्या बढ़िया प्रोज है। भीम ने कीचक का वध कैसे किया था, औरत के कपड़े पहनकर रात को गया और कीचक आया तो उसको मार दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि कीचक बलात्कारी है, कीचक बदमाश है। सो हेंस जैसे भीम ने कीचक का वध किया था, इसी तरह से समय आने पर, मौका आने पर हम इस दुश्मन का इलाज करेंगे, वी विल किल हिम, वी विल डिस्ट्रॉय हिम, बट वी शुड नेवर एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट और द ट्रीटी, नेक्स्ट प्लीज। द स्मॉलर ऑफन स्लेज द ग्रेट। अब देखिए ये क्या जबरदस्त बात है, Smaller often slays the great by showing energy and vigor. Lion kills the elephant and rules with unrestricted rigor. हाथी कितना बड़ा और शेर कितना छोटा, लेकिन छोटा बड़े का शिकार कर देता है। You don't think that the these owls are very strong, then where their number is very large, or हमारा नुकसान हो रहा है? No, with deception, with cunningness, with proper strategy, etc.
time will come and we will defeat them as it has happened in the past also, or it happens with a lion and elephant. Next, please. अब इसकी भी मैंने समरी बनाई है. पहली तो समरी थी एग्रीमेंट वाली. दूसरी ये है, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट बीइंग इन एन एडवांटेजियस पोजीशन विल कंटिन्यू टू डोमिनेट. अब जैसे मैंने कहा था कि नेपाल है, भूटान है, जो और कोई है, श्रीलंका है, वो चाइना के साथ एग्रीमेंट करेगा तो चाइना विल से कि ओके, आपका है ना बेटा पोर्ट जो मुझे 100 साल के लिए लीज पर दे दो, मैं ये मेरे अंडर रहेगा. टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी एज पर दैट द स्ट्रॉन्गर ओनली. एंड स्ट्रॉन्गर का मेन कंसर्न विल बी टू प्रिजर्व हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट. वो चाइना इज नॉट हेयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ श्रीलंका. चाइनाज मेन पर्पज इज नॉट कि श्रीलंका में सड़कें बन जाए, पुल बन जाए, वो हो जाए, ये तरक्की कर जाए. नो, चाइनाज मेन पर्पज इज के बाई डूइंग दिस थिंग वट आई एम गोइंग टू गेट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट वट चाइना इज गोइंग टू गेट बैक. सो हेंस इफ देर इज ए क्लैश बिटवीन सच टाइप ऑफ पीपल, ही सेज के वो जो कनिंग होगा, स्ट्रांग होगा, वो सेल्फ इंटरेस्ट को ही सामने रखेगा. हेंस वी शुड नॉट हैव एनी एग्रीमेंट विद देम. अब राजा के सामने दो स्ट्रेटजी आ गई, दोनों बिल्कुल उलट है. What has happened that he has become confused. Neither he is in a position to take decision to have treaty, nor he is in a position to go on to full-fledged war. क्या करे अब वो? तो गुप्ता जी उसने सोचा मैं तीसरे से पूछता हूं. भाई तीसरे से पूछा, भाई आप बताओ. तीसरा कहता कि ना तो हमने इस वक्त लड़ाई करनी है, ना हमने संधि करनी है. We should move away from this place. No, move away. मतलब क्या होता है कि सामने से आ रहे हैं यार, ये शरारती लोग हैं, ये बदमाश हैं, इनका रास्ता छोड़ जाओ, परे से निकल जाओ. इनके साथ ना मुंह लगना है, ना इनके साथ ज्यादा बात करनी है, ना इनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो कि ये इरिटेट हो जाए. We should move away from here. Now historically you see that the what happened when that the Anandpur साहब के किले का चारों तरफ से मुगलों ने घेर लिया था. संधि कर नहीं सकते थे गुरु गोविंद सिंह जी. लड़ाई करते तो उनका शायद जानो माल से भी गड़बड़ हो जाता है. सो व्हाट स्ट्रेटजिक डिसीजन ही टुक एट दैट टाइम ऑन एज पर द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर दैट गुरु जी यू शुड मूव अवे फ्रॉम हियर बिकॉज इफ यू आर अलाइव यू विल बी इन ए पोजिशन टू कैरी आउट दैट द पंथ. सो समटाइम्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी इज ऑल्सो वर्केबल दैट यू शुड अवॉइड एंड मूव अवे. अब राजा उनसे पूछता है मूव अवे तो ठीक है, बट वाई आई शुड मूव अवे, वाई? मिनिस्टर सेज, हां जी, विद विशियस फोमैन प्राउड ऑफ पावर फ्रॉम हिंडरिंग स्क्रपल्स फ्री अडॉप्ट ए चेंज ऑफ बेस, नॉट पीस नॉट वॉर फॉर विक्ट्री. दिस टाइम वी शुड नॉट थिंक अबाउट हैव बिकमिंग विक्टोरियस कि हम इसके साथ संधि करके जीत जाएंगे, हम इसके साथ लड़ाई करके जीत जाएंगे. हमें इस समय सिचुएशन डिमांड्स, सर्कमस्टांसेस डिमांड दैट वी शुड नॉट बी हियर, वी शुड मूव अवे बिकॉज सिचुएशन हैज बिकम ऑफ सच टाइप दैट वी कैन नॉट कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट. नेक्स्ट प्लीज. Change of base is having two objectives. Change of base करेंगे इसके दो objective होंगे. One is to retreat so as to save the imperiled life. हमारी जो life है, यही मैंने जो example थी ना गुरु गोविंद सिंह जी की, कि base को change करने का मकसद ये है कि पहले पर तो मैं बचा हुआ हूं, मेरे साथी बचे हुए हैं, मेरा निशान बचा हुआ, मेरी पहचान बची हुई है. और दूसरा ये है कुछ समय के बाद proper plan करेंगे, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे, स्ट्रेंथ लेंगे, टैक्टिक्स चेंज करेंगे, देखेंगे कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन. कि नाउ वेदर वी शुड हैव फाइट और वी शुड हैव एन एग्रीमेंट, बट एट द मोमेंट किंग वी शुड बोरिया बिस्तरा बांधना चाहिए हमें यहां से, एंड वी शुड मूव अवे. नेक्स्ट प्लीज. A king should put his realm in charge of heroes who are strong and fit. Then should pounce upon the hostile land when his spies have peopled it. कुछ समय के बाद हम अपने जासूस भेजेंगे, उनके उनसे इनपुट्स लेंगे,
इंफॉर्मेशन लेंगे, उसकी वीकनेसेस को चेक करेंगे, लूप होल्स को चेक करेंगे, देन विल सी व्हाट टू बी डन. एंड वाज इट नॉट द सेम स्ट्रेटजी विच वाज फॉलोड बाय शिवाजी आल्सो, कि स्पाइस को भेजो, छोटे छोटे अटैक करो, दुश्मन का डैमेज करो और डायरेक्ट फाइट नहीं करना. डायरेक्ट फाइट इस वक्त नहीं करना, जिसका नाम उन्होंने दे दिया गुरिल्ला. गुरिल्ला लड़ाई, लड़ाई थी बट वो डायरेक्ट नहीं थी, गुरिल्ला थी. पीस एग्रीमेंट भी चल रहे थे शाइस्ता खान और उनके साथ, अफजल खान और शाइस्ता खान के साथ वो भी चल रहे थे, लेकिन डायरेक्ट फाइट नहीं थी, गुरिल्ला फाइट थी. तो ये टैक्टिक्स जो होते हैं, ये सिचुएशन सरकमस्टांसेस और बहुत सारे दूसरे इश्यूज को देखते हुए अडॉप्ट किए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, मॉडिफाई किए जाते हैं. नो फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी क्रिटिसाइज कंट्रीज लाइक यूएसए. USA has only one interest, that is a self-interest. वो उसका पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है. और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कुछ किताबें हैं, उनके एक बहुत मशहूर होते थे केपी मिश्रा. आई यूज टू रीड लॉट ऑफ हिज बुक्स, लॉट ऑफ नहीं, एक दो किताबें पढ़ी है. और उनका होता था, बड़ी फेमस कोट होती थी उसके ऊपर, आई ए एस में एक दो बार एग्जाम चेंज करके आया करते थे. कुछ ऐसा था कि every country has only one interest, that is self-interest. Please explain India's interest in the line of Indo-US, Indo-USS relations, etc., etc. So in international relations, it happens like this. 1971 ki war hoti hai. 71 ki war mein USA ka 7th fleet Indian Ocean mein aa jata hai. और यूएसए पूरी तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट पर है, साइबर जेट से लेकर क्या क्या सप्लाई कर रहा है, सातवां बेड़ा भी आ गया. सो व्हाट हैपेंस दैट स्वर्ण सिंह इंडिया फॉरेन मिनिस्टर और यूएसएसआर के ग्रोमिको, दोनों के बीच में 20 इयर्स की एक म्यूचुअल ट्रीटी हो जाती है. अब देखिए उसके बाद क्या होता, 30 साल 40 साल के बाद, सी दैट द हाउ द because of the trade and the economic compulsions, the relationship between India and USA कैसे हो जाते हैं. USSR के भी साथ हैं, लेकिन ये सब बदलता रहता है, nothing is permanent. So hence sometimes I feel कि ये जो पुरानी की जो चीजें हैं, हम इनको सुनते हैं और फेंक देते हैं. अगर उसको हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वी विल गेन. Either we will gain professionally or at least mentally and the intellectually. So the minister says that ke recessive movement hi is waqt hame karna chahiye, kyunki uska relation hota cause and effect ke saath. Next slide please. Case in hand requires O king the base change called retreat, not peace, not war. The foe is wild and very hard to beat. ये सेम, तो इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं है इस स्लाइड में. नेक्स्ट प्लीज. अब इसकी भी मैंने छोटी सी समरी बनाई है. समरी क्या है, टू बी अवे फॉर द टाइमिंग मीन्स डाइवर्टिंग द अटेंशन आल्सो. उसको लगे कि ये तो लड़ने के मूड में नहीं है, हार मान चुका है, मैदान छोड़कर चला गया, बट एक्चुअली योर इंटेंशन आर टोटली डिफरेंट बिकॉज यू वॉन्ट टू बाय द टाइम. And to move is not to leave the battlefield permanently. Guru Gobind Singh Ji ne Mughalon ke saath ladai nahi chhodi. Unhone sirf base ko change kiya tha situation ke hisab se, so as not to waste the energy at that particular time, because opponent cannot be defeated in a direct fight. Ab teen different strategies hogi conflict ko resolve karne ki. Panga lena hai uske saath, ladna hai, shanti karni hai aur pare hat jana hai. Ab kya kare raja, कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें? तो वो चौथे से पूछता है कि क्या करें भाई, चलें यहां से? चौथा कहता है कि ये कौन आदमी आ गया जो आपको बोल रहा है कि ये बेस छोड़कर चले जाओ. बेस छोड़कर जाने का तो सवाल पैदा नहीं होता. वी शुड स्ट्रेंथन अवर सेल्फ. अब देखिए उसके अपना लॉजिक है, इसका अपना लॉजिक है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिज लॉजिक. He says, a crocodile at home can beat an elephant. पानी में मगरमच्छ है, हाथी को भी जो है वो मार देगा. अगर वो पानी छोड़कर बाहर चला गया, एक कुत्ता भी जो है उसके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि मगरमच्छ
है ही पानी का। अगर हमने अपना बेस ही छोड़ दिया तो रहा क्या हमारे पास? ना हमारा घर रहा, ना हमारा एरिया रहा, ना हमारा इलाका रहा, हमारा कोई बेस ही नहीं है। वी विल बी वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस ए टू बी, वी विल नॉट बी वेलकम्ड एट द गुड नंबर ऑफ प्लेसेस आल्सो, वी विल नॉट बी परमानेंटली सेटलिंग डाउन एनीवेयर आल्सो, वी विल बी ऑलवेज ऑन द मूव आल्सो। हेंस रिमेंबर, टेक द एग्जाम्पल ऑफ द क्रोकोडाइल एंड स्ट्रेंथन योर सेल्फ हियर ओनली। राजा को लगा यार बात तो इसकी भी ठीक है। वो क्या बता रहा है देखिए, groves of trees where each receives and gives defense unitedly defy the wind's fiery violence। इकट्ठे हो जाते हैं ना जब वो, तो जितनी भी आंधी आ जाए तो एक दूसरे के साथ टहनियां जो है वो ऐसे चिपक सी जाती हैं, आपस में चिपक सी जाती हैं। सो नो, लेकिन उसके अपोजिट वन मैन अलोन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्या ना हो वो दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता, उसको अपने बेस स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ते हैं। कैसे है वो भी आगे आगे आएगा। हाँ जी, इफ पैनिक स्ट्रक यू फ्ली व्हेन फोर्स आर एट द डोर एंड लीव द लैंड टू देम यू नेवर विल सी इट मोर। एक बार छोड़ दिया फिर नहीं वापस आओगे, पंजाब छोड़कर लंदन चले गए फिर वापस नहीं आओगे, फिर वहीं पर कहोगे कि हाय मेरा देश, हाय मेरा देश, वहां पर मेरे को दो सूखी रोटी मिलती थी वो भी अच्छी थी, यहां पर आकर मैं खुश नहीं हूं। अपना बेस नहीं छोड़ना है, अपना देश नहीं छोड़ना, जो हमारा एरिया है वी हैव टू स्ट्रेंथन अवर सेल्फ हेयर ओनली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ताकि समय के अंदर ही हो जाए सारी बात। हाँ, बस बस आ जाएगा अभी। सो वन मैन एंट्रेंस कैन होल्ड 100 फोर्स एट बे, वन शुड प्रोवाइड द फोर्ट विद शाफ्ट एंड गन। खैर वो अलग बता रहा कि अपने किले को मजबूत करें, उसकी सुरक्षा के इंतजाम करें, उसमें अन्न के स्टोर रखें, उसकी दीवारें मजबूत रखें, हथियार मजबूत रखें, मतलब अपने बेस को हम और ज्यादा स्ट्रांग बनाएं। नेक्स्ट प्लीज। इट इज ऑल्सो सेट, देखिए यूनियंस ऑफ द स्मॉलर वंस बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। लाइक जो बड़ी तेज आंधी आती है ना, जो घास होती है छोटी होती है लेकिन वो बिछ जाती है, वो उखड़ती नहीं है, लेकिन अगर पेड़ अकेला ही हो आंधी उसको उखाड़ कर फेंक जाती है। कल आंधी आई तो छोटी छोटी चीजें वो नहीं उखड़ी, लेकिन जो बड़े बड़े जो बिल बोर्ड जो है लगा रखे थे इन्होंने, बड़े बड़े खंबे लगा रखे थे, आंधी ने उनको उखाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि उनका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसलिए लाइक ए सिंगल ट्री बट इट माइट बी ह्यूज एंड पोस्टेड फॉर डिफेंस, इट मे बी अपरूटेड बाई द स्टाउट विंड्स। इसीलिए हमें अपने को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और इसकी समरी क्या ने बताई, टू स्ट्रेंथन वन सेल्फ मीन्स दैट बेस इज सॉलिड बट प्रेपरेशंस आर टू बी मेड मेक श्योर दैट द एनिमी इज डिफीटेड। वो प्रेपरेशंस उसी एंड को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होनी चाहिए कि मेरे को इसको हराना है, किसी और पर्पस के लिए नहीं। तो चार डिफरेंट स्ट्रेटजीज आगे कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। अपनी पर्सनल लाइफ में भी हम देखते हैं, ये बदमाश है इनके साथ पंगा नहीं लेना, परे हट जाओ, इनके साथ एग्रीमेंट कर लो, नहीं अब तो इज्जत की बात आ गई है, इनके साथ के साथ भिड़ना ही पड़ेगा, भिड़ जाओ। और ये हो गया कि कोई बात नहीं, समय आने पर देखेंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। व्हाट द किंग शुड डू नाउ, उसके सामने एक पांचवा मंत्री आकर खड़ा हो गया। वो कहता महाराज आप हैं अकेले, समय की जरूरत है कि दूसरों के साथ अलायंस किए जाएं। नेटो के साथ यूक्रेन का अलायंस है तो तभी तो 2 साल से वो लड़े जा रहा है, ऐसे कैसे वो लड़ सकता है? हथियार तो उसको उसके अलायंस दे रहे हैं, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट तो अलायंस से दे रहे हैं, उसकी वहां इकोनॉमी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को खाने पीने का राशन कौन दे रहे हैं? क्योंकि वो कॉमन एनिमी होने की वजह से, एंड यूक्रेन हैज गॉट द अलायंस विद द स्ट्रॉन्गर ऑपोनेंट्स, सो ही सेज वी शुड हैव अलायंस विद द अदर्स। नेक्स्ट प्लीज। क्यों, हूएवर मे बी हाउ मच डेफ्ट एंड ब्रिलियंट, नो कुड कैन बी अटेंड विदाउट ए फ्रेंड। या कोई दोस्त ही नहीं है आपका, आप अकेले हो तो ऐसे में कैसे होगा? पाकिस्तान को पिछले 20 साल से कौन सपोर्ट करे जा रहा, 30 साल से? यूएसए, सऊदी अरेबिया,
कपल ऑफ अदर कंट्रीज, अगर उनसे भी बिगड़ जाए किसी भी वजह से, वट एवर मे बी द रीजन, तो क्या रहा उसके बाद? वो तो मर्ज हो जाएगा किसी इंडिया के साथ, किसी और के साथ, या ईरान के साथ। तो दोस्तों होना बहुत जरूरी है सर्वाइवर के लिए। बेटर स्टे एट होम, सीक सम कॉम्पिटेंट एलाई टू मेक ए काउंटरवेट, और दोस्त भी ऐसा होना चाहिए सो दैट विद हिज फ्रेंडशिप द अपोनेंट ऑल्सो फील्स के यार इसकी सपोर्ट में तो ये है। एज आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ 1971 वॉर, सातवां बेड़ा था और 20 साल का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ और रशिया ने जो है वॉर प्लेन्स और मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर दिया, एंड यूएसएसए केम, यूएसए रियलाइज दैट इफ देयर इज द एस्केलेशन ऑफ द वॉर देन यूएसएसआर विल कम इन फुल फ्लड सपोर्ट टू इंडिया। तो उन्होंने टैक्टिकली अपने आप को विड्रॉ करना शुरू कर दिया, लड़ो मरो, और हिंदुस्तान ने 71 की वॉर में पाकिस्तान का मलिया मेट कर दिया। विंड इज फ्रेंड टू फॉरेस्ट फायर, हवा जब चलती है तो जंगल में जो आग है उसकी दोस्त होती है, उसको और बढ़ा देती है, लेकिन causes it to flame the higher and the same wind blows a candle out, उसको तो वो आग को बढ़ा देती है और अकेली मोमबत्ती को बुझा देती है। सो इसलिए हमें दोस्त चाहिए। इफ यू लीव होम एंड ट्रेवल, नो वन विल गिव यू सो मच एज ए फ्रेंडली वर्ड। अलायंस इवन ऑफ फीबली फोक मेक्स फॉर डिफेंस, अगर स्ट्रॉन्ग के साथ हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं भी है, कोई तो होने चाहिए आपकी सपोर्ट में। आप इंजर्ड हो गए, आप किसकी मदद, किसको मदद के लिए पुकारोगे? देखिए ये जो अलग अलग स्ट्रेटजीज आ गई हैं, ये बिल्कुल अलग अलग है। अब मैं आखिरी स्ट्रेटजी की तरफ आपको ले जा रहा हूं। आखिरी स्ट्रेटजी मैं अभी, मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, ताकि उसके लिए आपको मैं प्रिपेयर कर दूं आखिरी स्ट्रेटजी बताने से पहले। द लास्ट स्ट्रेटजी विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, एक्चुअली वी ऑल फॉलो इन अवर लाइफ, हम सारे अपनी जिंदगी में उसको किसी ना किसी सिचुएशन में फॉलो करते हैं। दोस्त हुआ इन द जॉब और दोस्त हुआ इन द एनी प्रोफेशन, वो तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसको 100% से भी ज्यादा फॉलो करते हैं, घर में भी फॉलो करते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं, हम कहते नहीं हैं। और अदर स्ट्रेटजीज आल्सो बी आल्सो फॉलो, बट द लास्ट स्ट्रेटजी विच एज आई एम गोइंग टू शेयर इट, यू विल रियलाइज एक्चुअली वी लिव बाई दैट स्ट्रेटजी ओनली। कौन सी स्ट्रेटजी है जो आखिरी सबसे इंटेलिजेंट, सबसे बुजुर्ग, सबसे सीनियर मिनिस्टर उसको बता रहा है, एंड दैट स्ट्रेटजी द किंग इज गोइंग टू फॉलो ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। दैट स्ट्रेटजी इज, नेक्स्ट प्लीज, डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी को हम अपनी लाइफ के हर मोड़ पर फॉलो करते हैं। जैसे ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, एवरीबॉडी विल से के बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, मजा आ गया, और बेशक मन में सोच रहे हो कि यार 45 मिनट से ऐसे बोर कर रहा था, क्या इसमें नई बात है जिसके बारे में हमें नहीं पता। प्रोफेशनल लाइफ में वी फॉलो दिस डुप्लीसिटी एंड वी से के वाह मैडम, वाह सर, क्या है, बहुत बढ़िया, आप जब से आए हो आपने तो ये कर दिया, वो कर दिया। द मोमेंट ही और शी टर्न्स द बैग विल से के कुछ नहीं किया है, सब फ्रॉड है, सब पैसे खा गया, ये कर गया। ये डुप्लीसिटी ही हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, हर तरह, हर मोड पर फॉलो करते हैं। बट एनी हो, द मिनिस्टर सेज दैट वी शुड अडॉप्ट डुप्लीसिटी एज ए स्ट्रेटजी। व्हाई? बिकॉज यू मस्ट रिगार्ड विद लाइक डिस्ट्रस्ट बोथ पीस एंड वॉर लाइक मेजर्स। लड़ाई और समझौते दोनों को पसंद और नापसंद के हिसाब से देखना चाहिए। सीक थ्रू डुप्लीसिटी योर गोल। दोज़ हू देमसेल्व्स ट्रस्ट नोबडी, ध्यान से सुनेंगे ऐसे, those who themselves trust nobody and have a single eye to self-interest can win the trust of an enemy and easily destroy him। यही हो रहा है इस देश में, यही हो रहा है इस दुनिया में, ये duplicity चल रही है। political scenario को उठाकर देख लीजिए, मुझे लगता है duplicity, triplicity, four city, पता नहीं कौन कौन से city चलते हैं, लेकिन यही चलते हैं। हम जितने मर्जी स्क्रिप्चर्स की बातें जो है उठाकर सामने रख दें, लेकिन लोग अपनी लाइफ में डुप्लीसिटी को ही फॉलो करते हैं। अभी ये बैटरी भी इसकी डाउन हो रही है, एनी हो कोई बात नहीं, हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज।
प्रोसीड इन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस विद ब्राह्मण. ब्राह्मण का मतलब है क्या? लर्नर्ड पर्सन. वो क्या उसको राजा को बोल रहा है? जो लर्नर्ड पर्सन है उसके साथ जो है कोई छल कपट द्वेष हेरा फेरी झूठ मकारी नहीं करनी, उसके साथ सीधी सच्ची बात करनी है. और जो टीचर्स होते हैं उनके साथ बिल्कुल अपनों जैसा जो है व्यवहार करना. विद द वही आगे चलेगी स्लाइड. विद द गॉड नो लेस बट ट्रीट ऑल अदर क्रिएचर्स टू डिसीट. पढ़े लिखे के साथ, लर्नर पर्सन के साथ, टीचर के साथ और भगवान, इन तीनों को छोड़कर बाकी सबके साथ जो है धोखा ही करना चाहिए हमें. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं. मैं नहीं बता रहा, आई एम नॉट टेलिंग इट. ये विष्णु शर्मा उसको बता रहे हैं कि अगर आपको शासन करना है, जिंदगी जीनी है, आपके चारों तरफ का एनवायरमेंट है. सो विष्णु शर्मा भी ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही करना है. What he is saying that there are different type of tactics, but duplicity is one of the tactics. And as per the situation, circumstances, cause and the effect, at this time, we should adopt duplicity. Vishnu Sharma is just presenting the different type of strategies. And my feeling is that actually, hum apni life mein baki ke bajaye is cheez ko zyada follow karte hain. A cow sees a thing by the sense of smell. Brahman or the learner person perceives the things with the help of scriptures. Other creatures use their eyes. King perceives it with the help of spies. तुम राजा हो, अपने जो है स्पाइस की मदद से शो करो कि तुम हाथ बढ़ा रहे हो दोस्ती का, लेकिन खंजर भोंगने के लिए तैयार रहना. ये स्ट्रेटजी की बात कर रहा है वो आखिरी मिनिस्टर. नेक्स्ट प्लीज. किंग वेल सर्व्ड बाय स्पाइस हु नोज द फंक्शनरीज ऑफ हिज फोर्स. जो उसके दुश्मन के जो अहदेदार होते हैं उनके बारे में अगर उसको पूरी जानकारी है, who knows his retinue no less is never plunged in deep distress. उसको कभी तकलीफ नहीं होगी अगर उसको दूसरों के बारे में पता है. कौन है दूसरे? वो एक स्लाइड में मैं उसको लिस्ट बनाई है. नेक्स्ट प्लीज. ये दुश्मन के 18 तरह के फंक्शनरीज होते हैं, कमांडर इन चीफ से लेकर युवराज से लेकर वॉर मिनिस्टर से लेकर मिनिस्टर ऑफ एलिफेंट, टैक्स कलेक्टर, इंट्रोड्यूसर, मास्टर ऑफ सेरेमनी, ये वो सारे करके होते हैं. इन सबकी जो है जानकारी इंफॉर्मेशन स्पाइस के जरिए रखना है, कमजोरियों को जानना है और मौके का फायदा उठाना है. नेक्स्ट प्लीज. समरी. बस पार्ट ए खत्म हो गया, पार्ट भी बहुत छोटा है. डुप्लीसिटी इज द श्रूडेस्ट मूव टू बी अडॉप्टेड. डिस्काइसिंग द अपोनेंट मेक्स हिम कंफ्यूज्ड. उसको पता नहीं चलता यार इसके मन में क्या, दिल में क्या, करना क्या. And we come across in our everyday life so many people whom we feel, यार ये कहता कुछ है, करता कुछ है, इसका पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, मेरे को ये कह गया, तेरे को ये कह गया. यही है भाई जिंदगी, लोग ऐसे ही हैं, सिचुएशन ऐसी है. To know the weaknesses of the opponent makes one more strong and the enemy more vulnerable. इससे पहले मैं कहानी के पार्ट बी पा रहा हूं, मैं जो शुरू में कहा था, मैं आपके सामने कोई नई चीज नहीं पेश कर रहा, मैं आपके सामने कोई कंफ्लिक्ट को मैनेज करने का एक बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं पेश कर रहा. मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये तरीका है नया. मैं आपके सामने सिर्फ पंचतंत्र में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज विद द हेल्प ऑफ द स्टोरीज विच हैव बीन एक्सप्लेन्ड, आई हैव जस्ट टेकन आउट फ्रॉम द ओरिजिनल पंचतंत्र, ट्राई टू मेक इट प्रेजेंट बिफोर यू इन अ सिंपल लैंग्वेज बाय गिविंग द डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस. अब ये हो गया. अब स्ट्रेटजी जो उन्होंने बना ली वो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा एंड में आऊंगा. लेकिन उन लोगों के भी मिनिस्टर थे, उन्होंने भी मीटिंग करनी थी, लेकिन इन्होंने स्ट्रेटजी क्या बनाई डुप्लीसिटी की. दैट ओल्ड मिनिस्टर ही सेड के मुझे उधर जाना पड़ेगा, इसकी बैटरी फिर खत्म हो रही, वो इंटरनेट ठीक कर गया, बट आई विल कंटिन्यू विद द हॉटस्पॉट, आई जस्ट कनेक्ट द केबल. वाईफाई तो नहीं, मैं अभी कनेक्ट कर पाऊंगा, वो डिस्कनेक्ट हो गया. प्लीज किसी के साथ कैरी ऑन करें, बैटरी का वो सिग्नल दे रहा है, लो है. हाँ जी, बैटरी लो हो गई थी, मैंने कनेक्ट कर दिया. क्लियर है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर. हाँ, तो जो उल्लू की स्ट्रेटजी
उल्लुओं की स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं ये बताता हूँ कि उन्होंने स्ट्रेटजी कौओं ने बनाई क्या। वो जो मिनिस्टर जिसने डुप्लीसिटी की बात कही थी, ही मेड ए प्लान। अब मैं कहानी पर भी थोड़ा सा आ जाता हूं, कहानी में रस भी होना चाहिए। प्लान उन्होंने ये बताया बनाया कि आप ऐसा करना राजा जी, मैं हूं सबसे एक्सपीरियंस पुराना और सबसे आपके राज्य का वफादार मंत्री, आप मेरे को थोड़ा इंजरी लगा के चोंचे मार मार कर खून निकाल कर एक ऐसी जगह पर छोड़ देना है, गिरा देना है, जहां पर कुल्लू उल्लुओं के राजा की मेरे ऊपर निगाह पड़ जाए, और उसके बाद फिर मैं प्लान बी जो है उसको हम एक्टिवेट करेंगे जब समय आएगा। ऐसा ही हुआ। उन्होंने देखा कि उल्लुओं का राजा शाम को सैर करने निकलता है इधर उधर की तरफ, कौओं के स्पाइस ने इंफॉर्मेशन दे दी ऊपर से देख करके उड़कर के, उल्लुओं का राजा अपने मंत्रियों के साथ सैर के लिए इधर को जा रहा है, और उन्होंने उसके आसपास ही प्लान करके उस सीनियर मिनिस्टर को चोंचे मार के इंजर्ड करके गिरा दिया। नाउ व्हेन दैट द आउल किंग सॉ, तो उसने देखा यार ये तो दुश्मन का सबसे विश्वसनीय और एक्सपीरियंस्ड मिनिस्टर इंजर्ड पड़ा हुआ है, व्हाट वी शुड डू विद हिम। सो ही आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स कि टेल मी व्हाट वी शुड डू, एंड द फर्स्ट मिनिस्टर सेड सर We should immediately eliminate him, kill him. राजा को लगा यार ये तो इंजर्ड पड़ा हुआ, ये कहता कि इंजर्ड को मार ही दो। He says, why? Next slide, please. He says, one should eliminate the enemy without hesitation, otherwise later he will fight with augmented power. He who will not, when he may, when he will, He shall have nay. अगर अभी हमने इंजर्ड को नहीं मारा तो समय आने के बाद जब वो ठीक होकर रिसोर्सफुल बनकर हम पर अटैक करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। इस चीज को ख्याल रखो, ऑलवेज व्हेनेवर यू सी दैट योर एनिमी इज इन ए वीक पोजिशन, ही इज इंजर्ड, ही इज नॉट इन ए पोजिशन टू कॉज एन हार्म, डू नॉट अलाउ हिम टू सर्वाइव, डू नॉट अलाउ हिम टू बिकम रिजुविनेट हिमसेल्फ, इससे पहले कि कुछ हो जाए उसका खात्मा कर दो, उसका सर जो है धड़ से अलग कर दो। With that strategy in mind, this time also, though he's alone lying there, we should kill him. Kill a weakling lest he grow hard to smite. Later with augmented power, he will fight. ये पॉलिसी को राजा हमेशा याद रखना दुश्मन के सामने। When he is dead, you will enjoy a thornless kingdom. दुश्मन जब मरा हुआ इंजर्ड था, कमजोर था, खात्मा कर दिया, मौज ही मौज है आपकी, आपका कोई दुश्मन ही नहीं बचा। लेकिन अगर आपने दुश्मन को जाने दिया, छोड़ दिया, तो दुश्मन तो बच गया ना, दुश्मन इज एग्जिस्टिंग। श्रूड मैन अनमास्क ए फो हू सीम्स ए फ्रेंड, जो श्रूड बंदों को पता होना चाहिए कि ये जो दिख रहा है ये दोस्ती का दिखावा कर रहा पर एक्चुअली अंदर से दुश्मन है। हू स्पीच इज काइंड, लेकिन उसके एक्शन जो है वो ऐसे नहीं है, नफरत करने वाले हैं। उड़ा दो इसको, किल कर दो। नेक्स्ट प्लीज। राजा को लगा यार ये मारना है तो वाली बात तो बड़ी अजीब सी हो रही है। सो आस्क हिज अदर मिनिस्टर कि क्या करें यार। वो बोला महाराज बेचारा इंजर्ड हुआ पड़ा है, चल ये नहीं सकता, खूनों खून हुआ है, इसको लेकर चलो, इसको मेहमान की तरह रखो। ये कहता है मार दो, ये कहता है मेहमान की तरह रखो, why? And the minister gives the reason. Next, please. He says, whoever does not give his best to cheer the late arriving guest will see his merit borne away. अरे आपकी इज्जत क्या रह जाएगी, आपकी पॉपुलैरिटी का क्या होगा? If you have not in your nest provision for a single guest, फिर क्या फायदा ऐसे राज का अगर आप एक बंदे को सहारा नहीं दे सकते? दुनिया में लोग क्या कहेंगे, ये क्रूर था, निर्मम था, अत्याचारी था, इंजर्ड पड़ा था उसको मार दिया, दुश्मन कमजोर है, वो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो बजाय इसके कि उसको मार कर दुनिया के इतिहास में आपका नाम ऐसा हो जाए, उसको लुक आफ्टर करो, योर ग्लोरी विल गो अप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब तीसरे की तरफ वो पूछता है कि क्या करूं, मारूं कि इसको ले चलूं। कहता रखने के साथ साथ उसको दोस्त बनाओ, सिर्फ रखना ही नहीं है उसको ले जाकर, उसको दोस्त बनाना है। क्यों बनाना है दोस्त? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडवांटेज भी एंटिसिपेटेड फ्रॉम ए बेनिफिक्टर, चाहे वो चोर ही हो, उसको उसके लोगों ने मालट्रीट किया है, धोखा दिया है, इंजरी की है, वो अब अपनी वफादारी उनको छोड़कर हमारे साथ निभाएगा। He will disclose all type of secrets, all type of weapons, all type of inputs to us. He is the most experienced man. Revelation of their vulnerable points बताएगा। इसलिए हम सिर्फ उसको रखने नहीं है, हमने अपना दोस्त भी बनाना है। अगर हमने अपना दोस्त बना लिया तो वो हमारे लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। चौथा कहता है ना रखो, ना दोस्त बनाओ, ना मारो, इस साले को वापस भेज दो, उसको मारो दो ठोकर, उसको बोलो जहां से आया था वहीं वापस जाओ। अब चार तरह के ये लोगों ने सलाहें दे दी। हुआ क्या, शायद एक स्लाइड और होगी। हाँ हाँ, ना इसको रोक दीजिएगा, फाइनली को रोक दीजिएगा, बस ये आखिरी स्लाइड है, मैं कहानी को खत्म कर देता हूं। इसको जरा, हाँ इसको रोक दीजिएगा स्लाइड को। कहानी में हुआ क्या, अब कहानी में थोड़ी सी बता देता हूं, दो या तीन मिनट और लगेंगे। राजा को लगा कि नहीं यार, इंजर्ड है, बुड्ढा है, क्या करना है, इसका गर्दन उड़ाकर ऐसा करो, इसको ले चलते हैं। तो ले गए, वो जो मिनिस्टर था इंजर्ड था, उसने कहा महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके रहमो करम पर हूं, मैं गरीब हूं, बूढ़ा हूं, मेरे को यहां दरवाजे के पास पड़ा रहने दीजिए, दो जून की रोटी मिल जाएगी, मेरा काम चल जाएगा। One of the minister of the owl suggested ke if you want to bring him to your area, do not keep him at the main entrance. Usko balki kisi jail ke kisi konne mein ya kisi andar rakho jahan uske upar pehra ho. But king thought ki kya pehra lagana, injured buddha aadmi hai, isko gate par pade rehne do. Wo bola main gate par pada rahunga, aate jaate aap logo ki jai jaikar karta rahunga. And that was the strategy, so that if he is at the main entrance, he will start keeping a record of the movement of the troops, at what time how many people are going outside, how many are inside, कौन कितने कैसे क्या है, राशन कितना है, ये सारी इनपुट्स की इंफॉर्मेशन लेगा। And that was the his strategy with his king also. हुआ भी ऐसा, एक दिन उन्होंने देखा कि आज उल्लू बहुत खुश है, आज उनमें पार्टी चल रही है, रात को अपने मुर्गा खा रहे हैं, चिकन विस्की पी रहे हैं, और खा पीकर पी पू कर सब लुट गए, पिट गए, अस्त हो गए, पस्त हो गए, होश नहीं रहा। एट दैट स्ट्रेटेजिक टाइम उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, उसको आग लगाई, चोंच में लेकर उडारी पड़ी, क्योंकि अब उसके जख्म भी ठीक हो चुके थे, ही वॉज फिली फिट आल्सो, उडारी पड़ी, पकड़ी, भरी, तो दैट वॉज अ सिग्नल टू द अदर क्रोस के मौका तैयार है। तो सारे क्रोस आए, उन्होंने अपने मुंह में जलती हुई लकड़ियां लेकर आए और सोए हुए उल्लुओं के ऊपर वो गिरा दी, और उल्लू जो है वो भस्म हो गए और कुओं की जीत हो गई। तो ये जो कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की स्ट्रेटजी के बेसिस पर मैंने जो फाइनल जो समरी बनाई है, दिस स्टोरी इज ए मास्टरपीस ऑन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। विच स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, रिसोर्सेज, दिस और दैट थिंग, बट it says that one should assess one's rival and in view of enemy strength, one's own strength, then only you should think, plan and take the next step. Aise nahi hai ke uthkar jo hai wo chal gaya. It also suggests that asset management and its built up is the foremost thing, and advisable thing is to increase the resources, build up the capital. Ye hai kahani aur ye hai story aur ye hai मैनेजिंग कंफ्लिक्ट की वेरियस स्ट्रेटजीज एज मेंशन्ड इन द पंचतंत्र। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जनरल साहब, ये बड़ा अद्भुत कहानी है, और आपने जिस तरह से इस कहानी को एप्लीकेशन के लिए आपने इसको प्रस्तुत किया है कि लोग इसको समझें, पढ़ें और फिर उसको अप्लाई करें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि इसी तरह से हम सभी लोगों को इस विषय में सोचना भी चाहिए, और फिर इसको जो है सोच विचार करके इसको हमें
एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए हमें इसे सब्जेक्ट्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अपने कोर्सेज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था जब मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा था, तो उसमें ऐसा लगता है कि जब आप एक तरफ पंचतंत्र रखते हैं, दूसरी ओर कॉरपोरेट सेक्टर को देखते हैं, तो वाकई वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज की जो है वो रेलेवेंस हमें वहाँ पे दिखाई देती है। केवल ये है कि कहानी को कहानी ना समझें, उसके बीच में जो कुछ कहा गया है उस कहानी के उस तत्व को हम सामने लेकर के आए। तो खैर, मैं अभी ज्यादा नहीं कोई टिप्पणी करना चाहता, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनका कोई सवाल जवाब है, कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। और कोई उनका अपना एक्सपीरियंस ऐसा है जो उनको लगता है कि सारे विषय में हमारे साथ साझा करना चाहिए, तो प्लीज डू दैट। सबसे पहले डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी अपनी बात हमारे साथ साझी करेंगे। जी सर। हेलो। जी जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर है। बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाया हमें जनरल साहब ने, पहले तो उनके लिए आभार। और प्रश्न नहीं है मेरा जी, जी आश्चर्य जी, ये जो आज का वक्तव्य है जनरल साहब का, ये मोदी जी को भेज दो। और हमें कल भेज देना। क्योंकि जब जनरल साहब बात कर रहे थे, मेरे माइंड में निरंतर आज की परिस्थितियां, कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनाई जा सकती है या कैसे चलाई जा सकती है, उसका भी ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। हम आज के वक्तव्य से सीख ले सकते हैं कि कैसे कोलिशन सरकार बनाई जा सकती है, कैसे पोर्टफोलियो बांटे जा सकते हैं उनकी प्रोग्रेस को देखकर भी, और कैसे दूसरों को से लिया जा सकता है। तो मैं मोस्ट कंटेम्पररी वक्तव्य था ये आज का। इसके लिए आप भी और जनरल साहब विशेष रूप से सभी आप लोग, अब उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये वाकई बात है और आज के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें ये बड़ी रेलेवेंट है। और मुझे लगता है कि मोदी साहब जो है वो अपना इन्हीं चीजों को अप्लाई भी कर रहे हैं आज तक पॉलिटिक्स में, इन सब स्ट्रेटजीज को अप्लाई किया ही है उन्होंने, बाकियों ने भी किया, ऐसा नहीं है कि बाकियों ने नहीं किया। लेकिन ये है कि अगर इस आधार पे हम आज के पॉलिटिकल सिनेरियो को एवेल्युएट करें और उसका डाइसेक्शन करें, तो मुझे लगता है बड़ी मीनिंगफुल और सेंसिबल बातें हमारे सामने आ सकती हैं। तो लेकिन अच्छी अच्छी आपकी टिप्पणी और मजेदार टिप्पणी है और रेलिवेंट टिप्पणी है, धन्यवाद उसके लिए। और किसी के कोई टिप्पणी है, कोई बात अपने? जी डॉक्टर पवन सेठी जी मुंबई से, और उसके बाद डॉक्टर मोहन मोटो जी। जी पवन जी प्लीज अपने को अनम्यूट करें। नमस्कार। नमस्कार सर। आज का टॉक काफी अच्छा रहा और काफी, जिसको बोलते हैं कि इट वाज क्वाइट एनलाइटनिंग। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था सर, अपना आकृति भी हमें प्रदर्शित कर दें, कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं था अब ठीक है, हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि पंचतंत्र की कहानियां जो हैं, इट इज नॉट ओनली द वॉर स्ट्रेटजी और यू कैन से स्ट्रेटजी मेकिंग, बट दे हैव गॉट अदर नीतीज आल्सो। आई जस्ट वांट ए क्वेश्चन अराइजेस इन माय माइंड कि सुनजू की आर्ट ऑफ वॉर, भगवत गीता और पंचतंत्र में क्या अनकॉमन है? मतलब तीनों का पुल तो हमको मालूम पड़ गया कि गीता टॉक्स अबाउट स्ट्रेटजी एंड हाउ टू लिव लाइफ, और आर्ट ऑफ वॉर जो है सुनजू की जो है वो भी जो है
ये कि आप हमें स्ट्रेटेजिकली कैसे जीना चाहिए। पंचतंत्र जो है उसको अब विष्णु शर्मा ने अपने तरीके से जो गूढ़ चीजें हैं उनको कहानी के जरिए कहने की कोशिश की है, लेकिन तीनों में अनकॉमन क्या है? अनकॉमन से मतलब कि जो ये तीनों अपने आप में, क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट पर हैं तीन किताबें तो वो तो बात नहीं बनती ना, कि तीनों किताबों में जो है कुछ तो डिफरेंस होगा कि भाई ये भगवत गीता इसको इस एंगल से देखता है, जातक कथाएं तो जातक कथाओं में भी कई जगहों पर जो है बहुत सिंपल सी और आसान, थोड़ा और रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, उसको हम फिर लेंगे जिस वक्त हम एथिकल इकोनॉमिक्स के बारे में बातें करेंगे, वो तब जातक कथाओं को लेंगे। लेकिन अभी जो आपका जो प्रश्न है उसमें गीता के अप्रोच जो है वो अध्यात्म की ओर से ज्यादा है, यहाँ ये नीति की ओर से ज्यादा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। कि जैसे कुछ तैसा वाली भी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो क्या कहेंगे कि भी एक प्रैक्टिकल लाइफ की अप्रोच ज्यादा है, तो गीता की जो है वो अध्यात्म और धर्म परक ज्यादा है। नहीं ऐसा नहीं है, कृष्ण से बड़ा नीतिज्ञ कौन? नहीं नीतिज्ञ तो है नहीं, फिर देखिए फिर गीता को छोड़ देना, फिर तो पूरे महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें फिर वो नीतिज्ञ है, लेकिन अगर सिर्फ गीता के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे फिर थोड़े से अलग हो जाएगी। हाँ महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में ही इज परफेक्ट स्ट्रेटेजिस्ट, इसमें कोई शक नहीं है, और वो अभी हम इशू लेंगे जब हम लीडरशिप पे बात करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और तो मुझे लगता है कि ये एक फर्क तो है। यहाँ पर वो नीति की बात कर रहा है कि आप स्ट्रेटजीज कैसे बनाएं, कौन कौन सी आपके पास अवेलेबल हैं, और फिर उन स्ट्रेटजीज को आप यूज कहाँ करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि स्वराज्य के लिए एक वेल फेयर स्टेट जो है उसके लिए है, और थ्रू गुड गवर्नेंस और सेंसिबल उसमें राजा चाहिए। तो आई थिंक दिस इज अ डिफरेंस, लेकिन फिर भी आपके मन में जो है वो आप साझा करें। एक ऐसे मन में विचार आया आपकी बात से, शेयर करूं? जी, कई बार हम जो है मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो को ही आपने गुप्ता जी ने मेंशन किया था, ये है तो ठीक है, ये है नंबर है वो है अलायंस करना, दैट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग। नो आफ्टर कपल ऑफ डेज सिचुएशन विल कम व्हेन द इट विल बी द टाइम फॉर द एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियोस। ओके सपोजिंग दैट द ए पार्टी सेज यू गिव मी A, B, C portfolio, fine. B, alliance says के you give me C, D, E portfolio, okay. By compulsion or by choice, आपको ठीक है महाराज इनको जो है ये portfolio देने पड़ेंगे, तो हो गया। सवाल ये पैदा होता है, either it is that the party which is in the power or the party which is having alliance to support the party in the power, जब portfolio बांटने की बात आएगी उस वक्त तो थोड़ा अकल लगा लो कि मैं ये पोर्टफोलियो कौन से नथु को दूं या कौन से भैरव सिंह को दूं जिसको जो है उस डिपार्टमेंट की उस ब्रांच की एबीसी आती भी है कि नहीं। पोर्टफोलियो ले लो आप, पैसा आप कमाना, करप्शन करनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, लेकिन कम से कम उसको अगर उसकी उस डिपार्टमेंट की कुछ आता ही नहीं है तो वो उस पोर्टफोलियो का बेड़ा गर्क ही करेगा। यहाँ पर जो है मैं देखता हूँ कि रामायणा से गुड गवर्नेंस को उठाकर के राजा तुम्हारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को साथ कंप्रोमाइज मत करो, इन्वेस्टमेंट करना कर लो। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे लीडर्स जो है ना पोर्टफोलियो देते वक्त भी इन सारी चीजों को जो है दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी उसी तरह के लोगों का प्रेशर होगा कि मेरे को ये पोर्टफोलियो दो, मेरे को वो पोर्टफोलियो दो। तो ये जो सारा सिस्टम है आशु जी ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, दैट इज द प्रॉब्लम। और हम क्या है अपनी पास्ट ग्लोरी में ही जिए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ पास्ट ग्लोरी को उभार कर सामने लेकर आओ और एक नए हिंदुस्तान के लिए लोगों को कहें कि यारो कोरोना ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया, तुम्हें कभी आएगी कि नहीं आएगी, देश और समाज को किस चीज की जरूरत है उसको पकड़ो, वो फिर वही जो है वहीं पर वो ढाक बात हो जाती है। क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? ओके
जी पवन जी कुछ कहना है, नहीं तो फिर मैं कॉन्फ्लिक्ट का जो एरिया है जैसे कि अभी फॉर अ व्हाइल, अब जैसे कि आज मैं देख रहा था न्यूज, तो डीडीपी जैसे कि ये चाह रही है कि उनको रोड ट्रांसपोर्ट और जो है इसके अलावा जो है जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो उनको मिल जाए, एंड वी हैव गॉट द बेस्ट वर्कर देयर एज नितिन गडकरी. So it will they compromise there or will they just, because it is just sometimes you ask for a bigger demand, you ask for the bigger piece of the flesh. That when you come for compromise, then the thing is ek ke bajaye do le, lekin ye hamare paas rehne the. Sometimes this is also a strategy, you know, to ask bigger things. Wo to hai, lekin matlab ki yes, we can get lot of the you can say insights from the parables which we are reading from the ancient literature. So that will be fine, but still you can say I just wanted to, because we I am a person who is little just going to say nuanced and who wants always to just decipher the things in a very different way. So mujhe ye tha ki matlab ki panchtantra ki agar panchtantra kisi ne likha to ek vichar wo hoga. महाभारत के अंदर कृष्ण का कैरेक्टर तो एक विचार वो है, दोनों के विचारों में क्या अंतर है? तो क्योंकि हम लोग तो मतलब थोड़ा सा डिसर्निंग डॉक्टर साहब उसको ना अभी जब नेक्स्ट इसका लेंगे पार्ट उसमें वो डिस्कस करना है हमने, क्योंकि ये मैंने जैसा कि शुरू में ही कहा था कि ये एक बैकग्राउंड है कि हमें इस तरह से विचार करना है, और अभी तो इसी को पंचतंत्र को समझने में काफी वक्त लग जाएगा क्योंकि इसकी बहुत सारी डायमेंशंस है, और फिर इसका जो है कंपैरिजन बाकियों के साथ, और चाणक्य ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी रहा है नीति के हिसाब से. हाँ जी, लेकिन चाणक्य के बारे में बहुत बातें होती हैं और लोगों ने काम भी काफी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम महाभारत और इस तरह से पंचतंत्र आदि को लेंगे तो जल्दी ही उसके ऊपर कोई ना कोई और चर्चा करेंगे, तो ओपन हाउस डिस्कशन में इन सब इश्यूज को लेंगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है, ठीक है. मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर मोहन मोटो जी को. सर एक मिनट दे रहा हूँ सर. जी जी, जनरल साहब की बात का इतनी जल्दी असर होगा ये मैंने भी नहीं सोचा था. लेटेस्ट न्यूज ये है कि एनडीए की संख्या समर्थकों की 303 हो गई है. अच्छा, कैसे चीटी करनी है, कैसे दुश्मन से निमटना है, उसके लिए अपने आप को कैसे सशक्त कर सकते हैं. जी, तो वो अप्लाई कर रहे हैं, हम पंचतंत्र की बात कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं. हाँ जी, हाँ जी. चलो ठीक है, डॉक्टर मोहन जी प्लीज. सर अनम्यूट योरसेल्फ. यस यस सर. सी I would just share that in light of this, what I have heard today, I am applying one formula, what he has said about duplicity. You know, now when I look at the present set of ministers from this goggle of duplicity, I find Nitish Kumar is one of the strategists. The best example. The best example of duplicity. And earlier I used to look at him as a very slippery fellow that you cannot, but then I think he must be studying Panchatantra from long. This is what I thought. Now, I have heard about Panchatantra, Bachpan Suna, lekin we thought it was a story for children, you know. But now, Panchatantra for politics, for business, I think it's an eye-opener for me. And I must thank you and General Ji for bringing this shift in my thinking. Wonderful. ये तो वैसे पंचतंत्र है ना, इट्स अ यूजर्स मैनुअल फॉर एवरी पॉलिटिशियन. जब आप पॉलिटिक्स में आए या और भी है, तो पंचतंत्र जो है ना वो यूजर्स मैनुअल बस तरीका है कि भी उसको यूजर मैनुअल के तौर पे कैसे पढ़ाया जाए. ये एक्चुअली कभी अगर 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 ऑडियंस को अच्छा लगा है एंड आपको ठीक लगे, तो मैंने एक और इसके ऊपर जो काम किया पंचतंत्र में से, मैं उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन जरूर देना चाहूंगा अगर आप अगर लोगों को एथिकल वेल्थ के ऊपर. जी हाँ, डेफिनेटली वी विल टेक इट अप, क्योंकि उसका कई सारे और डायमेंशन हैं
और उसमें मैंने अभी आमंत्रित किया हुआ है डॉक्टर प्रोफेसर वी के कॉल जो इकोनॉमिक्स के हैं, तो मे बी नेक्स्ट और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, तो उनका एक इकोनॉमिक्स पर है, तो उसमें फिर इस इशू को लेंगे। डॉक्टर संतोष वैद, विल यू लाइक टू मेक सम कमेंट्स? So, very interesting way of presenting all the methods of conflict resolution. It was really, really interesting. I would in fact add ki mujhe aisa pehle kabhi aisa mauka nahi mila hai. आवाज कट रही है मैडम आपकी, ऑडियो। हेलो, एम आई ऑडिबल? जी जी, नाउ ऑडिबल। हेलो, जी जी जी, नाउ इट्स क्लियर। हाँ जी, हाँ जी सर, एंड ऑफ कोर्स आई कैन वेरी वेल कनेक्टेड टू माय सब्जेक्ट बिकॉज आई एम इन इकोनॉमिक्स दिस थिंग, सो वी यूज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन क्लास इन अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव मैनर। जी, and the last point of duplicity because from the presentation of Panchatantra we came to the contemporary situation in India and which is a wonderful example of how the conflict in this particular scenario in Indian politics will get resolved. It will get resolved only by adopting duplicity. जी मैम, दैट आई मेंशन दैट द गुड नंबर ऑफ पीपल आफ्टर द प्रेजेंटेशन विल से वेरी गुड प्रेजेंटेशन, बट सम ऑफ देम विल बी सेइंग यार एक घंटा हो गया यार, छोड़ो यार, बस करो यार, बहुत हो गया यार। लेकिन जो इस सारे का पर्पस है, इस सारे परिचर्चा का, इस सारे वेबिनार का, वो यही है कि हम अपने ग्रंथों से, अपनी शब्दावली में, अपने कॉन्टेक्स्ट में हम सोचना, समझना और एवेल्युएट करना शुरू करें। आज तक हम वेस्ट की टर्मिनोलॉजी में सोचते रहे हैं, उनकी थ्योरीज के आधार पर हम एवेल्युएट करते रहे हैं। नाउ इट इज द हाई टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग इन अवर ओन टर्म्स, इन अवर ओन इंडिजिनियस मैनर। सो यही इसका पर्पस है। अभी भी हमने पॉलिटिकल सिचुएशन को, इवन रशिया यूक्रेन की वॉर को भी हम इस आधार पे देख सकते हैं, हमास इसराइल की वॉर को भी इन शब्दावली में जो है वो एवेल्युएट कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पस इस सारे इशू का इतना ही है कि हम अपनी भाषा में, अपनी शब्दावली में, अपने संदर्भों में हम सोचना शुरू करें, तो इतना ही इसका पर्पस है। और बहुत जल्दी ही हम जो है इस सारे इशू पे फिर दोबारा चर्चा करेंगे। तो किसी और की कोई टिप्पणी है तो अभी हम ले सकते हैं। प्रोफेसर आशा मुद्गिल जी, विल यू लाइक टू मेक सम कमेंट? शी इज फ्रॉम फिलोसफी डिपार्टमेंट। मैडम आशा जी, चलिए शायद वो नहीं होंगे साथ, या किसी और की कोई टिप्पणी है तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ओके, चलिए, तो आज की परिचर्चा बड़ी रुचिकर भी रही और रेलेवेंट जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन ने इसको बिल्कुल रेलेवेंट बना दिया हमारे आज की जो परिचर्चा थी, और हमने कई सारी नई बातों को देखा और समझा, और नई कई सारे जो डायमेंशंस हैं वो हमारे सामने उभर कर आए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक तरह से पार्ट वन है पंचतंत्र का, पार्ट टू हम लेंगे जहाँ पर हम हर व्यक्ति एक स्टोरी दे और उस स्टोरी के जो सोशल साइंटिफिक उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है उसके ऊपर वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देगा। तो उस सारे इशू को हम बहुत जल्दी टेकअप करेंगे। तो आज की ये परिचर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और विशेष रूप से मेजर जनरल ए के शोरिन जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस सारे विषय को इस रूप में हमारे सामने, रुचिकर रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसको रेलेवेंट बनाया, उसको अप्लाइड बना करके भी दिखाया, और हमें उत्साहित किया कि हम इस तरह से भविष्य में भी विचार करें, अपने ग्रंथों को देखें, समझें, उनकी सेंस को समझें, उनकी रेलेवेंस को समझें, और उनकी एप्लीकेशन को विचार करने की कोशिश करें। तो मैं मौके का फायदा उठा लूं मैं? जी जी, प्लीज मौके का फायदा उठा लूं। बहुत वेल रेड, वेल लिटरेट और
वेल क्वालिफाइड पर्सनैलिटीज हैं, तो थोड़ा सा अपना माल भी बेच दें इनको। जी जी जरूर। मैं आई जस्ट वांटेड टू शेयर मी आशु जी ही इज आल्सो इन्वॉल्व विद मी। हमने एक लिटरेरी लाउंज नाम से ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप की हम ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं और उसमें हम बुक ऑफ द मंथ, ऑथर ऑफ द मंथ, पोएम ऑफ द मंथ, स्टोरी ऑफ द मंथ, ये सारी चीजें शेयर करते हैं। सो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, ऑनलाइन सेशन अगर आप हमारा ज्वाइन करेंगे, आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सो फार वी हैव डन ओनली टू थ्री सेशन जिसमें बुक ऑफ द मंथ तो हमने की है, कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व किया था। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि ये इसलिए हमने स्टार्ट किया ताकि पढ़ने और लिटरेरी एक्टिविटीज को हम थोड़ा सा एनकरेज कर सके। एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड प्लीज लेट मी नो, आई विल सेंड द लिंक। एंड दिस मीटिंग टेक्स प्लेस एवरी थर्ड और द फोर्थ संडे ऑफ द मंथ एट 5 o'clock इन द इवनिंग। थैंक यू वेरी मच जी। आप इसको शेयर कर दीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा अपना इसका लिटरेरी लॉन्च का, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा। थैंक जी। मैडम मालती जी, आई थिंक प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं पूरा नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आई होप शी इज मालती ओकल। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यू हैव रेज्ड योर हैंड। ओके मैटी शायद, आई होप थिंक शी इज मैटी। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन। ओकी मैटी, ओके शायद नहीं हो पा रहा, उनसे अनम्यूट नहीं हो पा रहा। सो वी कंक्लूड हियर। यस सर। जी जी प्लीज। यस सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू। आई एम रियली, जैसे कहेंगे, बहुत ही हमारा भाग्य अच्छा है कि हम इसको सुन पाए, क्योंकि पढ़ते समय में एज स्टूडेंट वी हैव बीन रीडिंग पंचतंत्र बट नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। It was very interesting. Thank you, sir. Or I think that this is the best book to give to our politicians, even in my place. I am from Mauritius, please. Okay, madam. Can you introduce yourself? You are from Northeast? No, I am from Mauritius. Okay. This small island, diaspora, Indian diaspora. Okay. Okay. Welcome. I studied from India itself. Yeah. Okay. Okay. So please stay in touch. Thank you, sir. Yeah. Sure. Okay. Sure, sir. Thank you. चलिए तो आज के लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद जो अगला एक सैटरडे को हमने वेबिनार रखा हुआ है, वो इंडियन सिविलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वर्ल्ड ओवर, और इतिहास में उसको नहीं बताया गया, ना उसको कभी किसी ने चर्चा की है, उन सब प्रमाणों को, उन सब जो प्रूफ्स हैं उनके साथ उस पर चर्चा करेंगे। और उस पर हमने जिन एक्सपर्ट को बुलाया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, इतिहास को करेक्ट करने की कोशिश की है। तो सैटरडे को वो है, और मैं इसका जो है लिंक आपको और टॉपिक आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। तो धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। साईं जी दीपक की बुक कर रहे हैं क्या आप? हैं जी, साईं जी दीपक की बुक कर रहे हैं क्या डिस्कशन? नहीं, ये डॉक्टर अखिलेश्वर मिश्रा जी हैं, उनकी पुस्तक है कि भारत जो है वो विश्व सभ्यताओं का जनक है। तो कौन कहाँ कहाँ, मिस्र, इजिप्ट और कहाँ कहाँ क्या क्या उपलब्ध है, उस सारे विषय के ऊपर वो चर्चा है। तो वो मैं शेयर करूंगा। थैंक यू एवरीवन, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। डॉक्टर साहब धन्यवाद, और आप वाला विषय मैं जरूर टेकअप करूंगा दोबारा। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू और अपना कॉन्टेक्ट में रहिए प्लीज एवरीवन, दिस इज अ रिक्वेस्ट।